सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, वेलकम टू आर चैनल स्टडी विद सिद्धू। सो अज की अपनी वीडियो है हाउ टू अटैम्प्ट द पेपर। इस तो पहला जो वीडियो असी अपलोड की सी उहदे विच तुहानूं सारिआं नूं दस्सिआ सीगा कि आपां एम सी क्यू कदों सॉल्व करने शुरू करने एग्जाम वास्ते, ठीक है। तो एम सी क्यू नूं जो सॉल्व करन दा फीयर आ, है ना, उहनूं आपां किद्दां मन चो कढ़ना आ ते हौली हौली आपां टैसट सीरीज़ वल प्रोसीड करना है, ठीक है। तो अज की वीडियो में आप देखा कि आप टेस्ट सीरीज़ किदा अटैम्प्ट करनी है, हाउ टू अटैम्प्ट द पेपर, सो दैट तुसी हौली हौली फाइनल वास्ते प्रिपेयर हो जाओ ते अपना बेस्ट दे पाओ, ठीक है जी। सो फुल इनफॉर्मेशन लैन लई पूरी वीडियो नूं ध्यान नाल सुनो। बिफोर प्रोसीडिंग काइंडली सबसक्राइब द चैनल। राइट नाउ सी वी विल अटैम्प्ट द पेपर इन राउंड्स। आपां इह नहीं कहना भी पहला पेपर मिला, सपोज करो है ना, अपन पेपर मिले, असी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन सानू आंदा है चक्की ओ एम आर फिल करते, नो डोंट डू दिस, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग दे जिहड़े अपने 15 टू कह लो 10 और 15 मिनट्स ने ना, उस टाइम हाले अपना माइंड इस तरह प्रिपेयर नहीं होया हुंदा कि आपां सही क्वेश्चन आंसर तक पहुँच पाइए, ठीक है। सो यही गलती नहीं करनी, आपां राउंड्स पेपर नू करना है। यूजली 2 या 3 राउंड होंदे ने, ठीक है। तो वो थोड़ा समझाने कि हर राउंड आप कितना प्रोसीड करना है। पहले चलो देखो, पहला आया अपने को पहला फर्स्ट राउंड, ठीक है। फर्स्ट राउंड की करना है, रीड द होल पेपर, सारा पेपर एक बारी देख लेना, 1 by 1 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन एक की है रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग देनी है, फास्ट रीडिंग देनी है, ठीक है। ये नहीं कि अद्धा घंटा तुसी पहली रीडिंग ते लगा दो, एक फास्ट रीडिंग देनी है, यानी कि 15 to 20 मिनट की जोड़ा थोड़ा फर्स्ट राउंड होना चाहिए, ठीक है। 15 to 20 मिनट का थोड़ा पहला राउंड होएगा, ठीक है। उसे तुसी फास्ट रीडिंग दे देनी है, जोड़े जोड़े क्वेश्चन थानू आते हैं, है ना, थानू पता है कि आह क्वेश्चन 100% मैं श्योर हाँ कि आंसर आही है, उन्होंने उत्थे एक बारी मार्क कर लेना, ठीक है। इस स्टेज पे OMR आप फिल नहीं करनी, ठीक है। OMR नू इस स्टेज पे बिल्कुल टच नहीं करना फर्स्ट राउंड विच, ठीक है। एक बार मार्क कर ले, हुण एंड दे क्वेश्चन नू काउंट कर लो कि किन्ने क्वेश्चन हो गए, बिकॉज की हुंदा है किन्ने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, हो सकता है तुहानू सिर्फ 5 क्वेश्चन ही बिल्कुल श्योरिटी नाल आउंदे होण, है ना, या 10 क्वेश्चन ही आउंदे होण, है ना, बट ये भी हो सकता तुहानू 20 आउंदे होण। ये तुहानू एक आइडिया मिल जाऊगा कि पेपर टफ है, ईजी है, तुसी अगे किदां प्रोसीड करना है, ठीक है। पेपर का आइडिया मिल जाऊगा तो तुसी थोड़ा जो माइंड सैटअप है उस तरह नाल हो जाऊगा कि असी हुण किन्ने ध्यान नाल हर एक क्वेश्चन नू किन्ना टाइम देना है। यू विल बी एबल टू यू नो प्लान इन योर माइंड कि किदां अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन, ठीक है। यह सीगा फर्स्ट राउंड 15 to 20 मिनट, ठीक है। हुण सैकेंड राउंड विच की करना, आपां ने आपदी OMR चकनी आ, ठीक है। OMR लैके हुण तुसी जिहड़े क्वेश्चन मार्क किए सी उन्हां नूं भी हर क्वेश्चन नूं बहुत ही ध्यान नाल पढ़ना है, ठीक है। ध्यान नाल पढ़ के सिर्फ वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जिन्हां विच तुहानूं 100% पता है कि तुहानू आउंदा है, ठीक है। यही मतलब सही है, ठीक है। वह क्वेश्चन नाल दी नाल OMR ते फिल करते जाना है। जिहड़े क्वेश्चन च तुसी 50-50 हो उन्होंने इस स्टेज पर मार्क नहीं करना, ठीक है। बट उन्होंने थोड़ा टाइम दो, उन्होंने जो कंसैप्ट ने, है ना, जिस बारे भी वह क्वेश्चन है उन्होंने याद करन दी कोशिश करो, तो एटलीस्ट वो वाली ऑप्शनस मार्क कर लो, जिमें सपोज ए बी विचों तुहानू लग रही है कि ए तो हो ही नहीं सकती, तो कोई लेना देना नहीं है, हाँ बी हो सकती है या डी हो सकती है, ठीक है। ए नू क्रॉस कर दो ताकि तुहानू दोबारा ना देखनी पे, सी नू क्रॉस कर दो, यही 2 ऑप्शनस रह गई, है ना, इन्हां नू आपां हुण नैक्सट राउंड च देखांगे, ठीक है। इनू क्वेश्चन नू अटैम्प्ट नहीं करना, ठीक है। जिहड़े क्वेश्चन नू तुहानू 1% भी नहीं पता, है ना, कई बार होंदा कि वह बहुत ही अजीब जिहा टॉपिक पुछा होंदा है जिहदे बारे आपां ने
बिल्कुल भी नहीं पढ़िया हुंदा, यानी कि 1% भी सानू उसका आइडिया नहीं है वो क्वेश्चन कितों आया है, वो क्वेश्चन ते क्रॉस मार्क कर दो। ठीक है, हुन आया अपने को थर्ड राउंड। इस स्टेज ते पहुँचते पहुँचते तुसी 50 तो 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर चुके होवोगे, तुहाडा अद्धा टाइम भी जा चुका होएगा। अप्रोक्सीमेट तुहाडे कोल 40 मिनट या शायद इस तो भी घट टाइम बचेगा। ठीक है, हुण तुसी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 50-50 वाले, जिन्हें से तुसी मार्क कीतियां सी ना, जिन्हें से तुसी बी और डी ऑप्शन छड्डियां सीगियां दो दो, है ना, हुण ओह वाले क्वेश्चन ते आ जाओ। हुण इस क्वेश्चन नूं ध्यान नाल पढ़ो, बिल्कुल रिलैक्स माइंड हो गए, 2-3 वारी सोचो फिर क्वेश्चन नूं मार्क करो। ठीक है, 15 तो 20 क्वेश्चन तुसी इस राउंड च अटैम्प्ट करने ने। ठीक है जी, इस स्टेज पे हम तुसी ऑलमोस्ट 80-85 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर चुके होंगे। ठीक है, थर्ड राउंड कंप्लीट। ठीक है, हुन की है लक गेम। ठीक है, किस्मत की खेड खेडांगे। सब तो ब्यूटीफुल गल है जो पीसीएस की ये नैगेटिव मार्किंग नहीं हैगी, है ना, नैगेटिव मार्किंग नहीं है, जेडे क्वेश्चन बचे हम उन्होंने आप मार्क करना है, बट आप भी कोशिश करनी है कि कुछ ना कुछ गेन करिए। ठीक है, सो हर क्वेश्चन टाइम देना है, अटैम्प्ट करना है केयरफुली, एंड एटलीस्ट 5-7 क्वेश्चन गेन करने की कोशिश करनी है। ठीक है जी, मार्क करना है, मार्क कर सकते हो बिकॉज नैगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, यूपीएससी लाइक के तुहानू आपदे आप नू सेफ जोन च रखना है, अपने को नैगेटिव मार्किंग का डर है नहीं गा, सो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, बट हाँ गेन करने की कोशिश करनी है। ठीक है, सिर्फ ये नहीं सोचना कि नैगेटिव मार्किंग नहीं हैगी तो तुक्के ला देने हैं, नहीं, हर एक क्वेश्चन ध्यान नाल पढ़ना है तो अटैम्प्ट करना है। ठीक है जी, उस तो बाद तुसी हुण यह मैथड तुहानू उपर डिस्कस किए हैं ना, जिन्हें भी इस तो बाद तुसी टेस्ट सीरीज देनिया ने इदा ही अटैम्प्ट करनिया ने। ठीक है, सो दैट कि तुसी अपने एग्जाम वास्ते प्रिपेयर हो जाओगे, फाइनल दे विच तुहानू बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तुसी वैल प्रिपेयर होगे कि तुसी किद्दां अटैम्प्ट करना पेपर, कि पेपर सौखा है कि औखा है, तुहानू सब कुछ अपने माइंड दे विच क्लीयर हो जाऊगा। ठीक है जी, यही सीगी अज की वीडियो, पसंद आई तो लाइक जरूर करियो एंड सब्सक्राइब करो चैनल नूं होर इनफॉर्मेशन लैण लई। थैंक यू सो मच।